पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि आप फ्री में ही अपना प्लास्टिक आधार कार्ड किस तरीके से मंगवा सकते हैं, जो कि मैंने आपको उस वीडियोस में बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ऑर्डर करके बताया था पिछली वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लास्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब चलिए जान लेते हैं कि जो प्लास्टिक आधार कार्ड है वो आपका किस तरीके से आता है और उसकी क्या क्या पहचान होती हैं और वो आखिर कहाँ कहाँ मान्य होता है। तो चलिए, हम यहाँ पर सिंपली इसे मैंने ओपन कर लिया है और इसकी जो कुछ पर्सनल जानकारी है वो मैंने यहाँ पर छुपा दी है, जैसे कि नाम, एड्रेस वगैरह। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर वगैरह का जो भी नंबर होता है, प्लास्टिक आधार कार्ड मंगवा रहे हैं तो उसकी कितनी पहचान होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो कि 9 पहचानें होती हैं अगर आप प्लास्टिक आधार कार्ड मंगवा रहे हैं तब। जैसे कि फ्रंट पर आधार नंबर देखने को मिल जाता है, एड्रेस, लोगो देखने को मिल जाता है, छाप देखने को मिल जाती है आपके फ़ोटो की। ठीक है, इसी के साथ में आपको फ़ोटो के नीचे ही जस्ट, ठीक है, यहाँ पर भी फ़ोटो होता है, यहाँ पर भी फ़ोटो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको आधार नंबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ में माइक्रो टैक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है हल्का, ठीक है, जो कि एड्रेस से ही होता है। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पर होलोग्राम देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको डिटेल देखने को मिल जाती है, जो कि जन्म तिथि और इसी के साथ में आपकी डिटेल होती है, एड्रेस वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है QR कोड, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर भी एक होलोग्राम यानी कि पैटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आधार का ही। तो इसमें ये इसकी पहचान होती हैं और इसी के साथ में जो ओरिजिनल होता है वो कुछ अलग ही दिखता है। ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग प्रिंट करवा लेते हैं प्लास्टिक वाले पर, प्लास्टिक की एक पन्नी होती है उस पर वो प्रिंट करवा लेते हैं अपना, ठीक है, तो वो चीज़ अलग होती है और एक्चुअली में ये आधार कार्ड आपका प्लास्टिक वाला कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप अधिक जानकारी के लिए आधार से जुड़ी वो आप यहाँ पर नंबर लगा सकते हैं 1947 पर। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड की फ़ीस कितनी आती है या कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टोल फ्री नंबर लगाकर जानकारी ले सकते हैं और ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है तो 10 से आपके 15 दिन में आपके एड्रेस तक आना ही आना होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो इसको लाइक करें। हालांकि इसके 50 रुपये जाते हैं पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से फ्री मंगवा सकते हैं बस एक कूपन कोड को यूज करके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।